गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गॉड मदर इंग्लिश मीडियम स्कूल, स्टैंडर्ड 5, सब्जेक्ट मैथ मैजिक, चैप्टर 11, एरिया एंड इट्स बाउंड्री। स्ट्रेट विच शेप मोर एरिया फ्रॉम फॉलोइंग पेयर और शेप्स, फाइंड इट्स एरिया। अब आपको यहाँ से आपको यहाँ में दो दिए गए हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, ए और बी। ठीक है, आपको उसका बनाना है, ड्रॉ करना है जिसका एरिया ज़्यादा हो। अब देखिए, 6 cm, 6 cm, 6 और 6 कितने होते हैं, 36, और 6 cm, 7 cm कितने होते हैं, 42। तो किसका एरिया ज़्यादा है, बी का। तो अब हम बी का बनाएंगे। पहले 6 cm और 7 cm दोनों का मिलाकर होता है 42 cm। अब है ड्रॉ करना है, उसको डिवाइड करके ड्रॉ करना है। तो पहले 6 cm का हम आधा करेंगे, तो 6 का आधा कितना होता है, 3। ठीक है, फिर हम यहाँ पे सेवन का बनाएंगे इस तरह, 7। अब ये पूरा का पूरा 7 का है, ये 6 का हमने क्या किया, 3। अब 7, ये हुआ 3 cm, और 7 और 3 कितना होता, 21। 42 तो नहीं होते, इसीलिए हम 7 का आधा कितना होता है, 3.5। तो ये रहा 3.5, तो यहाँ से हम करेंगे इसका आधा, तो ये 3.5 cm, 3.5 cm, तो टोटल हो गए 7 cm, और ये 3, ये 3 कितने हुए, ये 3 cm, ये 3, दोनों आधा आधा हुए, तो ये 3, ये 3, 6, तो हो गए 6 cm और 7 का आधा, तो ये कितने हुए, 42 cm। वे दूसरा 8, 5 cm, 8 cm, 4 cm, 9 cm, बड़े कौन सा, किसकी स्क्वायर फुट ज़्यादा है, ए की। 5 और 8 कितने होते हैं, 5 × 8, 40। अब हम 40 का करेंगे, यहाँ 5 दिया गया है, तो पहले हम 5 का आधा मतलब 2.5 बनाएंगे। अब 8 है, पहले हम 8 करेंगे। अगर दूसरी अगर तरकीब देखी जाए तो ऐसे भी कर सकते हैं, 4, 4 का 2 तो भी 8 हो जाएगा। फोर फोर के अगर 2 बनाए तो भी 8 होते हैं, इसीलिए हम 1 ही बनाएंगे, बीच में से डिवाइड कर लेंगे, ये हुआ 8। अब 4 cm से हम डिवाइड करेंगे, ये रहा 4, तो यहाँ से डिवाइड, तो पूरा एरिया है 8 cm, ये हुआ 4 cm, 4 cm, 8 और 5 मतलब 2.5 cm, 2.5 cm, तो कितने हो गए, 5, 2.5, 2.5, 5 cm, 4 × 4, 8। तीसरा 7 और 7 cm, और ये है 6 और 8 cm। अब 7 cm क्या है, बड़ा है इसका स्क्वायर, तो 7 का आधा है 3.5, तो 3.5 का पहले हम इस तरह से करेंगे, यहाँ से 7,
यहाँ से भी हम 7 सेंटीमीटर लेंगे। फिर ये 3.5, 7 का आधा भी कितना होता है 3.5। इसका टोटल है 7 cm, 3.5। अगर आप 3.5 नहीं करना चाहते तो आप दूसरी तरीके से भी, अगर 7 को डिवाइड करें तो 5 और 2 भी कितने होते हैं 7। तो इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ 5 तक, और यहाँ से हम डिवाइड करेंगे तो ये 5 cm, ये 2 cm, कितना हुआ 7, और ये 3.5 cm हो गया। ये आपको होमवर्क में करना है।